Hi friend, welcome to my channel. Today we are going to read the lesson number 7 of class 3rd for New Gems English Reader. And the name of the lesson is The Tale of Peter Rabbit. The Tale of Peter Rabbit means Peter Rabbit. यानी कि एक rabbit है जिसका नाम Peter है, उसकी tale. Tale means कहानी या story. तो ये जो स्टोरी है वो एक रैबिट की है जिसका नाम पीटर है. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. वंस अपॉन ए टाइम देयर वर फोर लिटिल रैबिट्स. एक बार की बात है, देयर वर फोर लिटिल रैबिट्स. चार लिटिल रैबिट्स थे. देयर नेम्स वर, उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. तो रैबिट के जो लिटिल रैबिट्स थे उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. दे लिव विद देयर मदर इन ए सैंड बैंक. और वे अपनी मदर के साथ रहते थे सैंड बैंक के पास. अंडरनीथ द रूट ऑफ ए वेरी बिग फिर ट्री. एक ट्री है जिसका नाम फिर है. उसके रूट यानी कि जड़ों के नीचे, क्योंकि जो रैबिट्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर एक बड़ा सा होल बना के उसमें रहते हैं. तो उन्होंने जो अपना घर था वो बनाया हुआ था एक ट्री की रूट्स के पास में नीचे, और सैंड बैंक यानी कि सैंड यानी कि रेत के किनारे. नाउ माय डियर सेड ओल्ड मिसेस रैबिट वन मॉर्निंग. तो उनकी मदर जो है ओल्ड मिसेस रैबिट है, एक सुबह कहती है नाउ माई डियर्स, अब मेरे बच्चों, यू मे गो इन टू द फील्ड और डाउन द लेन. तुम चाहो तो खेत में जा सकते हो और या फिर नीचे लेन में. लेन मतलब नीचे लंबी सी जो गली टाइप की होती है, स्ट्रीट, उसे कहते हैं. बट डोंट गो इन टू मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन. लेकिन तुम मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में मत जाना. नाउ रन अलोंग, और साथ साथ में आप दौड़ो. एंड डोंट गेट इन टू मिस्चीफ, और कोई शरारत मत करना. आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ. तो उनकी जो मदर है मिसेस रैबिट, उन्होंने बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ और आप लेन में जा सकते हो या फिर आप फील्ड यानी कि खेतों में जा सकते हो, लेकिन गार्डन में मत जाना, मैकग्रेगर के गार्डन में मत जाना. देन ओल्ड मिसेस रैबिट टुक ए बास्केट. उसके बाद मिसेस रैबिट ने अपनी बास्केट ली एंड हर अम्ब्रेला, और अपना अम्ब्रेला लिया. एंड वेंट थ्रू द वुड टू द बेकर शॉप. और वह लकड़ियों के जंगल में से होते हुए बेकर शॉप पर जाती है. यहाँ पर जो वुड है वो फॉरेस्ट के लिए यूज हुआ है. वैसे वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे वुड का मीन्स फॉरेस्ट है. सो वेंट थ्रू द वुड टू द बेकर शॉप. सो वह फॉरेस्ट से होती हुई बेकर शॉप पर जाती है. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हु वर गुड लिटिल बनीज वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज. फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल, ये तीनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे, और जो कि हु वर गुड लिटिल बनीज, वो छोटे छोटे अच्छे बनीज थे और वो अच्छे बच्चे थे. वेन डाउन द लेन, वो नीचे गली में जाते हैं टू गैदर ब्लैकबेरीज. ब्लैकबेरीज यानी कि बेर होते हैं ना, जिसे ब्लैकबेरीज, बेर, जामुन जिसे आप बोलते हो. तो वो नीचे लेन में ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करने खाने के लिए चले जाते हैं. हाउ एवर पीटर हु was very naughty. लेकिन जो पीटर था वो बहुत नोटी था. रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन, और वो सीधा जाता है मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में. एंड स्क्वीज अंडर द गेट, और वो जो गेट है गेट के नीचे, अंडर मतलब नीचे, तो गेट के अंदर नीचे स्क्वीज मतलब कि सिकुड़ के निकल जाता है, अपनी बॉडी को सिकोड़ के वो वहां से निकल जाता है. स्क्वीज मतलब कुछ भी चीज आप उसको सिकोड़ते हो, जैसे कि आप नींबू को स्क्वीज करते हो, जैसे कि निचोड़ देते हो, तो उसे स्क्वीज कहते हैं. तो वो भी अपनी बॉडी को स्क्वीज श्रिंक करते हुए गेट के नीचे से अंदर चला जाता. फर्स्ट ही एट सम लिट्यूस एंड सम बीन्स. सबसे पहले फर्स्ट उसने खाया लिट्यूस. लिट्यूस इंग्लिश मीन्स सैलेड. तो जिसे आप सैलेड बोलते हैं उसे लिट्यूस बोला जाता है. तो उसने कुछ सैलेड लिया एंड सम बीन्स, और कुछ बीन्स खाई. देन ही एट सम रेडिशेस, और फिर उसने वेजिटेबल्स में रेडिश खाई. देन फीलिंग रेदर सिक, और उसने फिर थोड़ा सा मतलब उसने सिक मतलब कि थकावट या उसे बीमार सा फील हुआ. ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले.
तो उसके बाद में जब वो थोड़ा सा थक सा गया तो वो हर्ब्स यानी कि पार्सले एक हर्ब्स है, हर्ब्स यानी कि जो खाई जाती हैं जैसे कोरिएंडर मिंट होते हैं ऐसे पार्सले भी एक हर्ब्स है। तो ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले, तो उसके बाद उसका मन हुआ कि वो कुछ हर्ब्स खाए तो वो पार्सले खाने चला जाता है। राउंड द एंड ऑफ ए क्यूकम्बर फ्रेम, और क्यूकम्बर यानी कि जहां पर क्यूकम्बर लगे हुए हैं, खीरे लगे हुए थे, उनका जो फ्रेम था राउंड द एंड उनके जो एंड में, हूं जब वह क्यूकम्बर फ्रेम में आके एंड में जाता है तो होम शुड ही मीट बट मिस्टर मैकग्रेगर, तो वहां पर उसे मिस्टर मैकग्रेगर मिलते हैं। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग यंग कैबेज, तो मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो झुके हुए थे अपने हैंड्स में, मतलब अपने हैंड्स में और नीज, अपने नीज और हैंड्स के बल पे वो झुके हुए थे और प्लांट यानी कि जब वो कैबेज, क्योंकि वो मिट्टी में कैबेज जो है वो प्लांट कर रहे थे, यानी कि गोभी जो है, कैबेज मतलब जो गोभी है फूल, जो पत्ता गोभी होते हैं कैबेज बोलते हैं, तो कैबेज को वो उगा रहे थे, प्लांट कर रहे थे, इसीलिए उसको उगाने के लिए वो अपने हैंड्स और नीज पर थे, यानी कि हैंड्स और नीज के पे झुके हुए थे। बट ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर, लेकिन वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और पीटर के पीछे भागते हैं, वेविंग ए रेक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ, तो वो उसे देख लेते हैं मिस्टर मैकग्रेगर और एकदम से वो जैसे कि रैबिट को देखते हैं तो वो उसे एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और रेक मतलब कि फोर्क जो उन्होंने ये हाथ में दिया हुआ है इस टाइप का फोर्क वो लेके वो उसके पीछे भागते हैं। ये एक तरह का फोर्क है जिसे वो प्लांट कर रहे थे, ये ग्राउंड की जो खुदाई होती है मिट्टी की खुदाई उसके लिए यूज किया जाता है। तो फोर्क या रेक को हिलाते हुए और बोलते हैं क्या है, स्टॉप थीफ, रुको 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 चोर। पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड, यानी कि पीटर जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से डर जाता है। ही रस्ट ऑल ओवर द गार्डन, और वह गार्डन में चारों तरफ भागने लगता है। फॉर ही हैड फॉरगेटन द वे बैक टू द गेट, लेकिन वो क्योंकि पीटर वो जो मिस्टर मैकग्रेगर है उसके पीछे भाग रहे होते हैं और इसी चक्कर में पीटर जो है वो पूरे गार्डन में भाग रहा होता है और वो जो बाहर जाने का रास्ता होता है वो इसी भागदौड़ में वो भूल जाता है। He lost one of his shoes among the cabbages. तो वो अपना एक जो शू है, एक शूज वो कहाँ छोड़ देता है, कैबेज में छोड़ देता है भागते भागते। एंड द अदर शू amongst the potatoes. तो उसका एक शू तो कैबेज में रह जाता है और दूसरा शू potatoes में। After losing them, और उन्हें खोने के बाद he ran on four legs. और अब वो उसे खाली legs पे ही भागना पड़ता है, legs पे ही वो दौड़ रहा होता है। He might have got away if he had not run into a gooseberry net. और वो जो है वो गेट की तरफ पहुंच भी जाता अगर वो गलती से, He might have got away, यानी कि अगर वो निकल भी जाता लेकिन अगर वो गलती से गूसबेरी नेट में नहीं जाता, तो वो क्या होता है गलती से गूसबेरी नेट में चला जाता है और वहां पे नेट लगी होती है गूसबेरी के लिए। तो गूसबेरी नेट क्या होता है, नेट यूज टू स्टॉप बर्ड्स फ्रॉम स्टीलिंग गूसबेरीज, तो मतलब गूसबेरी एक फल है और उसे बर्ड से रोकने के लिए नेट लगाया हुआ है तो वो उसमें घुस जाता है। एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन ऑन हिज जैकेट, और उसके जैकेट में लार्ज बटन लगे हुए हैं वो उस नेट में अटक जाते हैं। इट वॉज ए ब्लू जैकेट, और देखो यहाँ पे रैबिट ने ब्लू जैकेट पहनी हुई थी, विद ब्रास बटन, और उसपे ब्रास बटन यानी कि येलो कलर के ब्रास बटन लगे हुए थे, क्वाइट न्यू, और वो बिल्कुल नई लग रही थी। पीटर गेव हिमसेल्फ अप फॉर लॉस्ट, पीटर जो है वो ऑलमोस्ट उसने गिव अप कर दिया था, यानी कि वो बिल्कुल एकदम से घबरा गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और वो हार मानने वाला था। पीटर गेव हिमसेल्फ यानी कि वो हार मानने वाला था, कि वो ऐसा सोच रहा था कि अब मैं हार गया हूं और वो ऐसा सोच रहा था कि अब तो मैं लॉस्ट हो गया हूं और अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। एंड सैड बिग टीयर्स, और वह जो जो से अपने जो उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकलने लगते हैं, गिरने लगते हैं। पीटर जो है वो घबरा जाता है और वो हार मान जाता है, वो सोचता है मैं खो गया हूं और बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से निकलने लगते हैं। मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विद ए सीव, अब मिस्टर मैकग्रेगर विद ए सीव, उसके हाथ में एक और टूल है सीव, यहाँ पे देखिए टूल यूज फॉर स्ट्रेनिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, तो एक उसके पास दूसरा टूल है उसको हाथ में लेते हुए आते हैं, यानी कि जैसे कि कुछ छानने के लिए यूज होता है एक इस टाइप का टूल होता है उनके पास। विच ही इंटेंडिंग टू यूज टू कैच पीटर,
तो वो उसे क्या करना चाहते हैं, एक ऐसे छानने वाली चीज होती है जैसे कि जाल टाइप का, उस टूल से वो पीटर को पकड़ना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं। बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन पीटर जो है वो बड़ी तेजी से वहां से निकल जाता है, ठीक है ना, वहां से वो बड़ी जल्दी से निकल जाता है, रिगल्ट आउट मतलब लौट आता है जस्ट इन टाइम, लीविंग हिज जैकेट बिहाइंड हिम, और अपनी जैकेट को वहीं पे छोड़ देता है। ही रस्ट इन टू द टूल शेड, और वो है अब टूल यानी कि टूल शेड जहां पर टूलों को रखा जाता है उसकी शेड के नीचे भाग जाता है, उसके अंदर घुस जाता है। एंड जंप इन टू ए कैन, और एक कैन के अंदर जंप कर जाता है। इट वुड हैव बीन ए ब्यूटिफुल थिंग टू हाइड इन, और ये बहुत ही अच्छी चीज थी छुपने के लिए, इफ इट हैड नॉट हैड सो मच वाटर इन इट, वो बहुत ही अच्छी चीज होती छुपने के लिए अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ नहीं होता। एक कैन के अंदर वो घुस जाता है उछल के, लेकिन उसके अंदर पानी भरा हुआ था तो वो भी गीला हो जाता है, पानी भरा हुआ था तो वो क्या होता है, गीला हो जाता है। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर डेट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड, अब मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो बिल्कुल पक्का होते हैं कि जो पीटर है वो उसी टूल के शेड के अंदर छिपा हुआ है। Perhaps hidden underneath a flower pot. तो वो सोचते हैं कि जो पीटर है वो जरूर फ्लावर पॉट के नीचे ही छुपा होगा। He begin to turn them over carefully looking under each. और वो जो मिस्टर मैकग्रेगर है he begin to turn them. और वो जल्दी जल्दी जो है वो उनको टर्न करने लग जाते हैं ध्यान से, लुकिंग अंडर ईच, वो सभी फ्लावर पॉट जो है वो उनको उठा उठा के देखने लग जाते हैं कि उनके नीचे रैबिट तो नहीं है। पीटर स्नीज्ड, पीटर जो है वो स्नीज्ड करता है, छींकता है, क्योंकि वो गीला हो गया था तो वो क्या करता है, छींकता है। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज आफ्टर हिम इन नो टाइम, और जैसे ही वो पीटर छींकता है मिस्टर मैकग्रेगर उसके पीछे भागने लग जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ही ट्राइड टू पुट हिज फूट अपॉन पीटर, और वह अपना जो पैर है वो पीटर के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं भागते हुए। हु जम्प्ड आउट ऑफ ए विंडो, लेकिन पीटर जो है वो विंडो से जम्प करके बाहर भाग जाता है। अपसेटिंग थ्री प्लांट्स, और जब वह ऐसा करता है पीटर जो है वो जंप करता है विंडो से बाहर, तो उससे तीन प्लांट जो है वो उसके ऊपर जाके गिरता है, उससे वो तीन प्लांट जो है वो खराब होते हैं। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर तो विंडो में से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि विंडो बहुत स्मॉल थी। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, और अब वो पीटर के पीछे भागते भागते थक गए थे। He went back to his work, और इसीलिए वो अपने काम पर वापिस चले आते हैं। Peter sat down to rest, और Peter जो है वो रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। He was out of breath and trembling with fright, अब उसको सांस भी नहीं आ रही थी, भागते भागते वो बहुत थक गया था और उसे सांस भी नहीं आ रही थी। It was out of breath, यानी कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी, सांस चढ़ गए थे उसको। And trembling with fright, और वह मतलब घबराने लग गया था, थ्रिल मतलब कि जैसे डर गया था, थ्रिलिंग करने लग गया था, ट्रेम्बलिंग मीन्स थ्रिलिंग करने लग गया था, फ्रेट यानी कि डर के मारे वो कांपने लग गया था। एंड हैड नो आइडिया विच वे टू गो, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां से जाए। ऑल्सो ही वॉज वेरी डैम्प इन टू सिटिंग इन डेट कैन, और वो जो उसके नीचे जो वो बैठा हुआ था, डैम्प मीन्स वेट यानी कि वो बहुत ज्यादा गीला भी हो गया था उस कैन में बैठने के कारण, वो डैम्प मतलब वेट, तो उसमें ही वॉज वेरी वेट, गीला हो गया था कैन में बैठने के कारण। आफ्टर ए टाइम ही बिगिन टू वेंडर आउट, और कुछ समय बाद उसने फिर से चलना शुरू कर दिया, फिर से उसने घूमना शुरू किया, लुकिंग ऑल राउंड, अब वो फिर से देखने लगा चारों तरफ। उसने थोड़ी देर वो बैठा और फिर उसने वेंडर यानी कि घूमना शुरू किया और चारों तरफ देखने लगा, क्या देख रहा था वो, रास्ता बाहर जाने का। He found a door in a wall. अब उसे एक दरवाजा दिखाई दिया, wall. He found a door. अब उसे एक दरवाजा दिखाई दिया, wall. मतलब कि एक दीवार थी, दीवार में उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। But it was locked. लेकिन ये तो लॉक था। And there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. और वो जो door था, door तो उसे दिखाई दिया, लेकिन उसके नीचे से निकलने का तो रास्ता नहीं था और वो दरवाजा लॉक था और वहां पर कोई रास्ता नहीं था कि वो जो मोटा सा रैबिट था वो उसके दरवाजे के नीचे से सिकुड़ के निकल जाए। देन ही ट्राई टू फाइंड हिज वे स्ट्रेट अक्रॉस द गार्डन, तो अब उसने कोशिश की कि अब मैं रास्ता ढूंढता हूँ गार्डन में, स्ट्रेट सीधे सीधे गार्डन में जाता है और उसे रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। बट ही बिकेम मोर एंड
मोर पजल, लेकिन वो गार्डन बड़ा था तो उसमें उसे रास्ता नहीं दिखाई देता और वो बहुत ही ज्यादा पजल, मतलब बहुत ही ज्यादा पजल फील करता है कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, कंफ्यूज हो जाता है। पजल मीन कंफ्यूज। ही केम टू ए पॉन्ड वेयर मिस्टर मैकग्रेगर फील्ड हिज वाटर कैन्स। अब वह उस पॉन्ड उस तालाब के पास आ जाता है जहां पर मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो अपनी वाटर कैन्स यानी कि पानी की कैन्स भर रहे थे। ए व्हाइट कैट वॉज स्टेयरिंग एट सम गोल्ड फिश, और जो एक व्हाइट कलर की कैट जो है वो गोल्ड फिश सुनहरी कलर की जो गोल्ड कलर की जो फिश थी उसे खाने के लिए घूर रही थी। सी सेट वेरी वेरी स्टिल, और खाने के लिए उनको पकड़ने के लिए वो बहुत ही एकदम से एक स्टिल बैठी हुई थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। पीटर थॉट इट बेस्ट टू गो अवे विदाउट स्पीकिंग टू हर। पीटर ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा है कि मैं इसे कुछ भी ना बोलूं और चुपचाप से निकल जाऊं। पीटर थॉट इट बेस्ट टू गो अवे विदाउट स्पीकिंग टू हर, इसे बिना बोले चुपचाप से निकल जाओ यहां से। ही हेड हर, क्योंकि जो बिल्लियां होती हैं कैट होती है वो रैबिट का भी पीछा करती है, रैबिट का भी शिकार करती है। ही हेड हर्ड अबाउट, ये देखिए कैट जो है वो यहाँ पे पॉन्ड के अंदर गोल्ड फिश को घूर रही है, स्टेयरिंग कर रही है, और ये वाटर कैन है जो मतलब कि मिस्टर मैकग्रेगर फिल कर रहे थे। अब ये पीछे से वहां से रैबिट भागने की कोशिश करता है उसका उससे बचकर निकलने के लिए, क्योंकि ही हैड हॉल्ड अबाउट कैट अबाउट हिज कजन, क्योंकि उसने कैट के बारे में अपने कजन से सुना हुआ था, लिटिल बेंजामिन बनी, और किस कौन से कजन से, उसका नाम था बेंजामिन बनी, एक बेंजामिन नाम का बनी था छोटा सा, उसका कजन था, भाई था, और उसने उसको कैट के बारे में बताया था कि वो डेंजर होते हैं। ही वेंट बैक टूवर्ड द टूल शेड, अब वापिस जाता है टूल शेड की तरफ, अब वापिस टूल शेड की तरफ जाता है, बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही हर्ड द नॉइस ऑफ ए हो। अब वह वापिस जाता है टूल शेड की तरफ, लेकिन उसे सडनली कुछ आवाज क्वाइट क्लोज टू हिम, बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही हर्ड द नॉइस ऑफ ए हो, तो उसने एक नॉइस सुनता है, हो करके एक नॉइस सुनाई देता है। हो मीन्स गार्डनिंग टूल विद ए लॉन्ग हैंडल, यानी कि एक ऐसा टूल जिसका लंबा सा हैंडल है, उसकी हो करके आवाज आती है, उसे आवाज आती है, ये एक हो एक टूल है और उसकी आवाज आती है स्क्रीच स्क्रैच स्क्रैच स्क्रीच, इस तरह की जो आवाज आ रही होती है, मतलब कि जब हम टूल से मिट्टी को खुदाई करते हैं तो उसकी आवाज जो है उसको आ रही होती है। इट वॉज मिस्टर मैकग्रेगर हॉइंग ऑनियंस, अब मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो ऑनियंस के लिए खुदाई कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, हॉइंग कर रहे थे, हॉइंग मीन्स खुदाई कर रहे थे टूल से। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर, उसकी पीटर की तरफ उनकी कमर थी, यानी कि उनकी जो कमर थी वो पीटर की तरफ थी, यानी कि अब जो है मिस्टर मैकग्रेगर डायरेक्टली उसे नहीं देख सकते थे क्योंकि उनका जो फेस था वो उस पीटर के अपोजिट था। एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट, और उनके सही पीछे एक गेट दिखाई दिया, पीटर को क्या दिखाई दिया, गेट। और जो मिस्टर मैकग्रेगर की कमर की तरफ जो है वो कमर की तरफ जब सामने वो देखते हैं तो उसे गेट दिखाई देता है। पीटर स्टार्ट, अब जैसे ही पीटर को गेट दिखाई देता है, पीटर स्टार्ट रनिंग एज फास्ट एज ही कुड गो, पीटर जो है गेट की तरफ सीधा रन करना शुरू कर देता है जितनी तेज वो है भाग सकता है। अलोंग स्ट्रेट वॉक बिहाइंड सम ब्लैक कैरेंट बुशेस, अब क्या होता है कि पीटर जो है वो भागना शुरू कर देता है जितनी तेजी से वो भाग सकता है, और बिल्कुल स्ट्रेट भागता है, पीछे क्या होता है उसके पीछे ब्लैक कैरेंट बुशेस यानी कि झाड़ियां होती हैं, काली काली रंग की झाड़ियां होती हैं, ब्लैकबेरी यानी कि जो जामुन की टाइप की झाड़ियां होती हैं। मिस्टर मैकग्रेगर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर, और मिस्टर मैकग्रेगर जैसे ही रैपिड भागना शुरू करता है बड़ी तेजी से, एकदम से जो मैकग्रेगर की जो मतलब मिस्टर मैकग्रेगर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर, और जैसे ही पीटर भागना शुरू कर देता है मिस्टर मैकग्रेगर का जो ध्यान है वो उसकी तरफ जाता है, उसको एकदम से वो दिखाई देता है एट द कॉर्नर, मतलब कोने में पीटर भागता हुआ दिखाई देता है। बट पीटर डिड नॉट केयर, लेकिन जो रैबिट पीटर था उसने इस चीज की कोई परवाह नहीं की कि मिस्टर मैकग्रेगर ने उसे देख लिया, और वो भागता ही रहता है। ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट, और वह सीधा गेट की तरफ जाता है और गेट के नीचे से जहां से उसने एंटर किया था उसी के नीचे से अपने आप को स्क्वीज करते हुए स्लिप कर जाता है, बाहर निकल जाता है। एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन, एंड
आखिरी में इस तरीके से वो गेट से बाहर चला जाता है और सेफ सुरक्षित हो जाता है इन द वुड आउटसाइड द गार्डन। और अब वो वुड यानी कि लकड़ियों में होता है जहां पर उसके और भी भाई बहन थे, वहां पर होता है आउटसाइड द गार्डन और गार्डन के बाहर चला जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ नॉटी पीटर्स हु वेंट इन टू द मैकग्रेगर गार्डन्स एंड ही ate some radishes and Mr. McGregor saw him and tried to catch him but he finally slipped away underneath the gate behind the back of Mr. McGregor। ये जो स्टोरी है वो एक पीटर रैबिट की है जो कि बहुत नोटी है और वह मैकग्रेगर के गार्डन में घुस जाता है और वहाँ जाके अपना रास्ता भूल जाता है और मैकग्रेगर से बहुत डर जाता है और बहुत ढूंढने पे उसे अपना रास्ता मिलता है। तो लेट्स चेक द एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस सेंटेंस। पीटर रैबिट लिव्ड विद हिज फैमिली इन सैंड बैंक। पीटर रैबिट अपनी फैमिली के साथ सैंड बैंक रहता था। Mrs. Rabbit warned the children not to go into McGregor garden. Mrs. Rabbit ने वॉर्न किया कि McGregor के गार्डन में नहीं जाना है। Flopsy, Mopsy and Cottontail went down the lane. Naughty Peter ran to McGregor garden. In the garden, Peter ate radishes. When Mr. McGregor saw Peter, he ran after Peter. So answer these questions. Hello friends, so let's check the question answer of this lesson. Why did Mrs. Rabbit leave her children alone one day? Mrs. Rabbit ने अपने children को एक दिन अकेला क्यों छोड़ दिया? Mrs. Rabbit has left her children alone because she was going out to the baker shop. मिसेस रैबिट जो है उन्होंने अपने चिल्ड्रंस को अलोन इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो शॉपिंग के लिए बेकर शॉप पर जा रही थी। व्हाई डिड पीटर डिसओबे हर, पीटर ने उनको डिसओबे मतलब कहना क्यों नहीं माना उन्होंने पीटर ने। पीटर हैड डिसओबेड हर बिकॉज ही वॉज वेरी नॉटी, क्योंकि जो पीटर था वो बहुत नॉटी था। व्हाई डिड मिस्टर मैकग्रेगर चेस पीटर, मिस्टर मैकग्रेगर ने पीटर का पीछा क्यों किया? मिस्टर मैकग्रेगर हैड चेस्ड पीटर बिकॉज ही वेंट इनटू हिज गार्डन एंड एट रेडिशेस एंड बीन्स। मिस्टर मैकग्रेगर ने पीटर का पीछा इसलिए किया क्योंकि वो उसके गार्डन में चला गया था और उसने वहां पर रेडिश और बीन्स खा लिए थे। विच आइटम्स डिड पीटर लॉस इन द गार्डन, पीटर ने अपनी कौन सी आइटम गार्डन में खो दी थी? पीटर हैड लॉस्ट हिज शूज इन द गार्डन, पीटर ने अपने शूज गार्डन में खो दिए थे। हाउ डिड पीटर एस्केप फ्रॉम मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन इन द एंड, पीटर ने मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन से एंड में कैसे बचाव किया? पीटर स्टार्टेड रनिंग फास्ट अलोंग स्ट्रेट वॉक मिस्टर पीटर स्टार्टेड रनिंग फास्ट अलोंग स्ट्रेट वॉक, पीटर ने रन करना शुरू किया बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। मिस्टर मैकग्रेगर सॉ हिम एट द कॉर्नर, मिस्टर मैकग्रेगर ने उसे देख लिया था कॉर्नर में, बट पीटर डिड नॉट केयर एंड ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट, पीटर ने इसकी कोई परवाह नहीं की और वो गेट के नीचे से स्लिप होके नीचे निकल गया। तो इस तरीके से उसने अपने आप को स्केप किया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। वी आल डैश इनटू दीप्ति कार, सो वी आल यानी कि हम सब दीप्ति कार में क्या हो गए? स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड मतलब कि बहुत ही नैरो होके बैठना। मार्थो डैश हर रेड स्कार्फ टू स्टॉप द टैक्सी, अब मार्था जो है उसने वेव्ड किया अपना रेड स्कार्फ टू स्टॉप द टैक्सी। द बेबी डैश आउट ऑफ द क्रिप व्हेन हिज मदर वाज अस्लीप, तो जो बेबी था वो क्रिप यानी कि जो क्रिप था झूला जो था उस क्रेडल जो था उससे बाहर आ जाती है, ट्विस्ट करके बाहर आ जाती है जब उसकी मदर सो जाती है। द कैट टेल रिगल्ड एज इट स्टेयर्ड एट द रेट,
जो कैट की जो टेल थी वो रिगल मतलब मूव करती है, जैसे ही रैट जो है उसे जो मतलब कि वो रैट को देख लेती है, घूरती है, तो उसकी जो टेल है वो एकदम से मूव करती है। इट रेन जस्ट आफ्टर द फार्मर डैश द रेस फील्ड। तो बारिश होना शुरू हो जाता है जैसे ही फार्मर जो है वो हॉल्ट द राइस, यानी कि राइस फील्ड को जैसे ही हॉल्ट करते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है। हॉल्ट मीन्स मतलब जैसे कि खुदाई करके प्लांट करना। राइट ए सुटेबल वर्ड फॉर ईच ऑफ दी सेंटेंसेस चूज फ्रॉम द बॉक्स। केयरफुल, एंग्री, स्क्योर, नॉटी, ऑबीडियंट। नंबर वन इज फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल लिसन टू देयर मदर एंड वेंट टू गेदर ब्लैक बेरीज। तो वो क्या थे? ऑबीडियंट थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर की बात मानी थी। पीटर डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड रेन इन टू मिस्टर मैग्रेगर गार्डन। तो वो क्या था? नॉटी था। मिस्टर मैग्रेगर वेव्ड ए रेक एंड शाउटेड स्टॉप थीफ। तो वो क्या कर रहे थे? एंग्री थे। पीटर वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड ट्रेम्बलिंग विथ फ्रेट। तो वो क्या हो गया था? स्केयर्ड हो गया था, डर गया था। पीटर डिसाइडेड नॉट टू स्पीक टू द कैट बिकॉज ही हैड हर्ड अबाउट कैट्स फ्रॉम हिज कजन। पीटर ने डिसाइड किया कि वो कैट से बात नहीं करेगा क्योंकि उसने कैट्स के बारे में अपने कजन से सुना था। तो वो क्या हो गया? केयरफुल हो गया, केयरफुल। फिल इन द ब्लैंक्स विद ई, ये वोवल्स हैं ई ई ई और ई ए। तो यहाँ पे टू, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनमें ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। अंडरनीथ, मिसचीफ, ड्रेडफुली, सीव, थीफ, नी, रिसीव, वेट, व्हील बैरो, क्वाइट, स्पीक, टीयर्स। कंप्लीट दिस टेबल। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स। साक्षी इज ए टाल गर्ल। ड्रॉइंग एन एलिफेंट इज इजियर देन ड्रॉइंग ए टाइगर। So, we use ER and it for comparison. Mount Everest is the highest mountain on earth. The Pacific Ocean is deeper than the Atlantic Ocean. Dolphins are among the smartest animals in the world. So, this lesson has been complete and I hope all of my students has understood this lessons very well, and we will meet with our next lessons in the next video. Soon, and till then bye bye, and please wait for my video and please do subscribe my channels and share this video more and more if you like this video.